हे बच्चों, आज हम सीखेंगे एडिशन करना, जोड़ना या प्लस करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हो, ये प्लस का साइन है, एडिशन का साइन है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा एडिंग करना, सब्स्ट्रैक्शन करना पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये है थ्री, तो हम क्या करेंगे, थ्री लाइन ड्रॉ करेंगे। वन टू थ्री, ये क्या है, टू। तो हम ये दो लाइन भी इसी के साथ ही ऐड करेंगे, 1 2। अब हम सारी लाइनों को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 3 और 2 को जब हमने जोड़ा, ऐड किया, तो हमें मिला 5। हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब ये क्या है, 4। हम 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। 4 में क्या ऐड करना है, 3। तो हम इसके साथ ही 3 लाइन और ऐड करेंगे, 1 2 3। अब हम एक साथ इन सारी लाइनों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें 4 में जब हमने 3 को ऐड किया, तो हमें क्या मिला, 7। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या लिखा है, 5। तो हम 5 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5। 5 में क्या ऐड करना है हमें, 4। तो इसके साथ ही हम 4 लाइन और ऐड करेंगे, 1 2 3 4। अब हम सारी लाइनों को एक साथ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब 5 में जब हमने 4 को ऐड किया, तो हमें मिला 9। नेक्स्ट ये क्या है, 2। तो हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2। इसमें क्या ऐड करना है, 6। तो इसके साथ ही हम 6 लाइन और ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम इन सब लाइनों को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जब हम 2 को 6 में ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 8। इस तरह से हम ऐड करना सीखते हैं। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये है 6, तो हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नीचे है 3, यानी कि 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो टोटल 6 है, उसमें से 3 हम लाइंस काट देंगे, 1 2 3। 3 लाइनें हमने घटा दी, कम कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। तो बाकी कितनी लाइनें बची, 1 2 3। यानी कि 6 में से जब हम 3 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 3। इसी तरह से यह है 5, तो हम 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है 2 को, यानी कि 2 कम कर देना है। तो हम 2 लाइनें कम कर देंगे, काट देंगे, 1 2। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची सीधी सीधी, 1 2 3। यानी कि 5 में से जब आप 2 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास 3 बचेंगे। नेक्स्ट
ये है एट, तो हम एट लाइनें ड्रा करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एट में से हमें फोर को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, यानी कि हम एट में से चार लाइनें काट देंगे, कम कर देंगे। एक दो तीन चार, तो अब हमारे पास सीधी सीधी कितनी लाइनें बचेंगी? वन टू थ्री फोर, यानी कि एट में से जब आप फोर को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो आपके पास बचेगा फोर। इसी तरह से सेवन, सेवन लाइनें ड्रॉ करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन में से आपको फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है, यानी कि इसमें से आपको पांच लाइनें काट देनी है। एक दो तीन चार पाँच, जब आपकी पांच लाइनें कट गई तब कितनी लाइनें बची बच्चों? एक दो, यानी कि सेवन में से जब हम फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा दो। ये जो सिंबल है बच्चों, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, और मैंने ऊपर बताया था कि ये प्लस का यानी एडिशन का सिंबल होता है। तो आई होप बच्चों आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करना, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।